हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 11 जीव विज्ञान। मैंने कल आपको एक द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना बताई थी, आज मैं आपको एकबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना बताऊंगी, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्ट्रीम। इसमें हम एग्जांपल लेंगे आपका मक्का यानी मेज का। जो मक्का का प्लांट होता है, जब हम इसकी माइक्रोस्कोप से स्लाइड बनाकर स्टेन करके अच्छे से हम जब इसे ऑब्जर्व करेंगे, तो इसके अंदर भी बहुत सारे हमें लेयर्स दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले इसकी आएगी अधिचर्म यानी उत्तक तंत्र यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये आपके जो तना होता है, इसका सबसे बाह्य जो भाग होता है, इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी के अंदर आपका भरण उत्तक तंत्र होगा यानी ग्राउंड टिश्यू होगा। जो आपका ग्राउंड टिश्यू होता है, ये अधिचर्म यानी जो आपकी एपिडर्मल लेयर थी, इसके अंदर की तरफ पाया जाता है। उसके बाद जो आपका थर्ड है, थर्ड आपका संवहन उत्तक तंत्र है यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। ये संवहन पुल यानी वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं, जो भरण उत्तक में बिखरे रहते हैं। कैसे होते हैं ये? फैले हुए होते हैं। इसके बाद जो एक प्रकार का जो एकबीजपत्री तने होती हैं, अगर हम उसे और डीप में पढ़ें, जैसे कि द्विबीजपत्री तने का पढ़ा था, तो इसकी भी जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, तो इसकी भी सबसे फर्स्ट लेयर बाह्य त्वचा यानी आपकी एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस जो लेयर होती है, ये आपकी मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है और ये सबसे बाहरी यानी आउटर लेयर होती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आउटर लेयर होती है, उसका मेन वर्क क्या होता है? रक्षण करना, मीन्स प्रोटेक्शन करना, यानी किसी से रक्षा करना। जो बाह्य आघात होते हैं या फिर कुछ भी इंटरनल आपकी कुछ भी, मतलब किसी प्रकार की कोई इंजरी हो, खरोच हो, कुछ भी, तो उससे हेल्प करते हैं कि जो अंदर की कोशिकाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं, ये आकार में आपकी काफ़ी छोटी होती हैं और ये भी जीवित या लिविंग होती हैं। जो बाह्य भित्ति यानी बाह्य जो सेल होती है, इस पर क्यूटिन नाम का एक पदार्थ होता है जिसकी ऊपरी त्वचा होती है, ऊपर चर्म होती है, तो ये क्यूटिन नाम का एक पदार्थ आपका फ्लूड होता है। जो उपचर्म होती है, ये काफ़ी मोटी लेयर होती है और बहुत ज़्यादा स्पष्ट भी होती है। जो एकबीजपत्री तने होते हैं, इनकी जो बाह्य त्वचा होती है, इस पर रंध्र यानी स्ट्रोमेटा बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं, यानी बहुत ही ना के बराबर पाए जाते हैं। और इनके अंदर जो रोम यानी जो हेयर्स वाली स्ट्रक्चर थी, वो प्रेजेंट नहीं होती। और बेटा, द्विबीजपत्री में क्या होता था? द्विबीजपत्री में आपकी जो ये लेयर थी यानी जो बाह्य रोम थे, ये आपके प्रेजेंट होते थे। अधस्तर त्वचा यानी हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो होती है, ये आपकी जो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा बनाई जाती है और ये आपकी जो बाह्य त्वचा थी, इसके नीचे स्थित होती हैं। इसके अंदर 3 से लेकर 5 लेयर्स होती हैं और जिसकी वजह से ये मोटी भी दिखाई देती है। ये जो आपकी दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर लैग्निन का जमाव होता है। कैसा जमाव होता है बेटा? लैग्निन का जमाव होता है। और इसकी जो अधस्तर त्वचा होती है, इसका मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, यानी उसे यांत्रिक सहारा देना। यांत्रिक सहारा समझते हो ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आप लौकी या फिर कहना लौकी या फिर ये तोरी होती हैं, इनकी बेल होती हैं, तो आप इन्हें क्या काम करते हैं? आप इन्हें सहारा देने के लिए कभी रस्सी बांधते हो, कभी तार करते हो या फिर कोई डंडा लगा देते हो, जिसके सहारे से क्या चीज़ होती है बच्चे? ये ऊपर चढ़ जाती हैं, बेल है ना। तो उसी तरीके से ये भी यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। कौन? अर्धस्तर त्वचा। बेटा नेक्स्ट आपका है भरण उत्तक। भरण उत्तक आपका पेज नंबर 349 पे है। भरण उत्तक को हम ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं, जो इसकी अर्धस्तर त्वचा यानी हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है, ये आपकी जो केंद्र यानी सेंटर होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर ये आपके जितने भी टिश्यू होते हैं, इन सब में एकबीजपत्री तने में भरण उत्तक, मतलब जो आपका जितने भी उत्तक हैं, तो ये सारे के सारे एकबीजपत्री तने में ये सब क्या कहलाते हैं? ये आपके भरण उत्तक कहलाते हैं। जो मृदुत्वक कोशिकाएं यानी पेरेंट काइमेटस जो सेल्स होती हैं, इनके द्वारा बनते हैं और जिसमें जो संवहन पुल यानी जो आपका वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये आपकी बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं। भरण उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं, वो गोलाकार हो सकती हैं यानी राउंडेड हो सकती हैं, या फिर बहुभुजीय यानी पॉलीगोनल हो सकती हैं। इनके अंदर जो मंड होती है यानी स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में
जो आपकी इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये बीच मध्य में विकसित होती हैं और इनके अंदर अंतराकोशिकीय स्थान भी प्रेजेंट होते हैं। जो आपके भरण उत्तक होते हैं उनका मेन काम वही होता है जो पहले आपकी द्विबीजपत्री में था, कि ये आपका मर्ण और जो जल है इसका संग्रह करने का काम करती हैं। ये इसका डायग्राम है, बट ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। जो आपका संवहन पुल यानी वैस्कुलर बंडल है, ये आपका भरण उत्तक की जो मृदुकीय कोशिकाएं होती हैं ये इसमें फैली होती हैं, स्कैटर्ड पैटर्न होता है। और जो प्रत्येक संवहन पुल होता है ये ओवल या अंडाकार शेप का होता है। और ये जो परिधि होती है, जो इसकी आउटर साइड की लेयर होती है, इसके अंदर जो संवहन पुल है ये छोटे होते हैं, और अंदर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे तो ये डेंस यानी घने और बड़े होते चले जाएंगे। जो संवहन पुल होता है उसके चारों तरफ जो दुर्दुत्तकीय कोशिकाएं होती हैं हम इन्हें बंडल शीट की बनी होती है, या इन्हें पुलीय आच्छंदन कहा जाता है। एक बीजपत्री तने में जो संवहन पुल होते हैं ये संयुक्त या कॉन्जेंट हो सकते हैं, बाह्य पोषी कोलेट्रल या फिर अवधि क्लोज्ड हो सकते हैं, यानी जो दावर पोष वाहक है ये एक ही त्रिज्या या रेडी में स्थित होते हैं। इनके बीच में जो कैम्बियम होती है ये नहीं पाई जाती है। जैसे गन्ने के तने होते हैं इसमें एदा और मज्जा अनुपस्थित होती है। जो संवहन पुल होता है या तो उसके अंदर दाव वी शेप का होता है या फिर कैसे आकार का होता है, वाई शेप का होता है। इसके अंदर दो आदिदाव वाहिकाएं पाई जाती हैं या फिर दो अनुदाव वाहिकाएं यानी प्रोटोजाइलम या फिर मेटाजाइलम कोशिकाएं पाई जाएंगी। जो आपकी प्रोटोजाइलम कोशिकाएं होती हैं ये तने के केंद्र की ओर स्थित होती हैं, और जो आपकी मेटाजाइलम कोशिकाएं होती हैं ये गल जाती हैं और गलकर आपस में संयुक्त हो जाती हैं और संयुक्त होकर एक गुहा का निर्माण करती हैं, जिसके अंदर फिर बाद में क्या हो जाता है, जल भर जाता है, और इसे हम लयजात गुहिका या जल गुहिका कहा जाता है या फिर कहते हैं। बेटा ये बात फिर से समझ आए, जो आपकी मेटाजाइलम कोशिकाएं या वेसल्स होती हैं ये गल जाती हैं, आपस में एक साथ जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद ये एक जस्ट लाइक खाली गुहा की तरह बनाती हैं, जिसे हम लयजात गुहिका या फिर जल गुहिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो आपका संवहन पुल होती हैं इसमें आपकी अनुदाय वाहिकाएँ होती हैं और इनके ऊपर अधोवाहिकाएँ भी स्थित होती हैं। जो आपके पोषवाहक होती हैं इसमें चालनी नलिकाएँ यानी शीफ ट्यूब्स भी होती हैं और कैम्पेनियन सेल्स भी पाई जाती हैं। यह मृदुत्तक कोशिकाएं इसमें नहीं पाई जाती। जो पोषवाहक होते हैं इनके ऊपरी क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, और इस क्षेत्र को हम आदि पोषक पोषवाहक या फिर प्रोटोफाइलम कहते हैं। बेटा ये एक बीजपत्री तने के एक संवहन पुल की संरचना है। देखो सबसे ऊपर इसमें मृदुत्तक पाए जाते हैं, फिर उसके नीचे दुर्दुत्तक पाए जाते हैं, और फिर चलनी नलिकाएं या सह कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पोषवाहक का काम करती हैं। फिर उसके अंदर एन्युलर और स्पाइनल वाहिकाएं भी पाई जाती हैं। इसकी फिर लास्ट में फिर आपका नेक्स्ट आगे क्या पाए जाते हैं, दाऊद मृदुत्तक या फिर लयजात गुहिका पाई जाती है। लयजात कौन सी वाली बेटा, जो आपकी फिर जल को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम देखो जो पीछे वाले पेज पे था, द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट। इसमें देखो सबसे ऊपर की तरफ आपकी ऊपरी त्वचा होती है, फिर उसके नीचे बाह्य त्वचा होती है, फिर दुर्दुत्तक होता है और मृदुत्तक होता है। ये आपका बाह्य त्वचा, दुर्दुत्तक और जो मृदुत्तक होते हैं ये आपके भरण उत्तक का काम करते हैं। क्या बनाते हैं, ये आपका भरण उत्तक बनाते हैं। देन उसके बाद जैसे ही आप डायग्राम में नीचे की तरफ आएंगे तो तब आपको ये पुल आच्छंदन, आदि पोषक, अनुदाव, आदिदाव और ले जाती है, सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, फिर और नीचे आओगे तो ये आपको 3, 4, 5 दिख सकती हैं, और ये डायग्राम आप इसी तरीके से लर्न करेंगे और इसका सीक्वेंस यही रहेगा। बेटा सीक्वेंस में ये कि जैसे इन्होंने इस वाले में बता रखा, आप चाहे तो इस वाले में बता सकते हैं। ठीक है, और ये आपका किस चीज़ का डायग्राम था, ये आपका एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट थी। पेज नंबर 349 पे है आपकी बायोलॉजी वाली बुक में, और ये आपका डायग्राम नंबर है 16.10। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे और इसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।